Irving. The first page of my reply notice to Ripu Sudan, aka Raj Kundra, and Shilpa Shetty Kundra, with reference to their defamation notice. But is par mera signature bhi hai, to ye bhi chala jayega na public domain. Misuse bhi kar sakte hain. Nahi nahi, aisa misuse nahi ho sakta, kyunki ye sab electronic. Okay. And documents. Yes. Yes. बोलना आपका रेडी हो जाएगा. चलो. जैसे कि सब जानते हैं शिल्पा की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन पेज जो है उसका वो फाइल किया गया है जी. उनको रिप्लाई नहीं, अब आपकी तरफ से आपने क्या कार्रवाई की है? देखिए, मेरी लीगल टीम ने एक करारा मुंहतोड़ रिप्लाई नोटिस भेजी है उनके सो कॉल्ड डेफेमेशन नोटिस के को मद्देनज़र रखते हुए. रिपु सुदन AKA राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को शायद ये पता नहीं है कि दिल्ली कोर्ट में जब MJ अकबर और प्रिया रमनी का केस चल रहा था तो तब दिल्ली कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी थी, और वो वर्डिक्ट जो है एक प्रेसिडेंट बन चुका है. मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी. माफ़ी चाहती हूँ, पेजेस. इन शॉर्ट, उस प्रेसिडेंट का मतलब ये है, निचोड़ ये है कि द राइट टू रेप्यूटेशन and the right to privacy cannot be protected at the cost of the right to life and dignity. This is the essence of the precedent. The woman cannot be punished for raising voice against the sex abuse on the pretext of criminal complaint of defamation, as the right of reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of women as guaranteed in Indian Constitution under Article 21 and right of equality before law and equal protection of law as guaranteed under Article 14 of the Constitution. The woman has a right to put her grievance at any platform of her choice and even after decades. Yani, mahila apne yon shoshan ke bare mein kisi bhi platform par baat kar sakti hai और कई सदियों बाद भी बात कर सकती है. और द कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व दैट अ मैन ऑफ सोशल स्टेटस कैन आल्सो बी अ सेक्सुअल हैरेसर. ये जो वो कहते हैं कि रिस्पेक्टफुल सिटीजन हैं ब्रिटेन के, और इंडिया के भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल सिटीजन हैं, और उनकी सोशल स्टैंडिंग है, रेप्यूटेशन है. क्या रेप्यूटेशन है ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच जानता है, ठीक है. तो वो भी सेक्सुअल हैरेसर हो सकते हैं, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है. नाउ, अब हम बात करते हैं डेफेमेशन की. डेफेमेशन क्या है, मतलब ये जो मानहानि हम कहते हैं, मानहानि डेफेमेशन, व्हाट इज डेफेमेशन? इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन द मेंस रिया टू कॉज हार्म इज द साइन क्वा नॉन. To cause harm, our client states that there must be an imputation, and such imputation must have been made with the intention of harming, or knowing, or having reason to believe that it will harm the reputation of the person about whom it is made. Now, यहाँ पर लिखा है कि अगर intention क्या है, अगर intention ये है कि हम reputation को खराब करें, तो defamation नोटिस
कि मतलब डेफेमेशन नोटिस भेजी जा सकती है अगर इंटेंशन ये हो कि चलो रेपुटेशन को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं. जिस पुरुष रिपुसूदन AKA राज कुंद्रा एंड मिसेज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, हाँ, जिनकी रेपुटेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, मतलब जिनके बारे में लोग जानते हैं, जिनके कारनामों के बारे में जानकारी है पब्लिक डोमेन में, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ. हाँ, की कंस्पिरेटर इन पोर्नोग्राफी केस. ओके, जिनके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1,467 पेज की चार्जशीट फाइल की थी. हाँ, ये बात करते हैं रेप्यूटेशन की. गौर फरमाइए, हाँ, आप सब, रेप्यूटेशन की बात कौन कर रहा है? गोल्ड स्कैम, चीटिंग, IPL स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, FIR लॉज्ड इन लखनऊ, तो आप देख रहे हैं कि रेप्यूटेशन की बात कौन कर रहे हैं. प्लस बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब 35 पेजेस हैं मेरे रिप्लाई नोटिस में, और इन्होंने जो कारनामे किए हैं अपने लाइफ में उन सब का जिक्र है, इन डिटेल नहीं लिखा है. इन डिटेल लिखने जाओ तो आई थिंक मुझे भी 1,000 से ज़्यादा पेजेस लग सकते हैं, जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच को लगे थे. सो नाउ कमिंग टू द लास्ट बट फर्स्ट पेज ऑफ माय नोटिस, जिसमें मैंने लिखा है, मतलब मेरी लीगल टीम ने लिखा, विथड्रॉ द प्रेजेंट लीगल नोटिस विथ इमीडिएट इफेक्ट टू पे अ सम ऑफ ₹75 crores by way of compensation for mental harassment, agony, anguish, affliction, misery, trauma, acute stress and hypertension for which I'm taking a medical treatment in a leading hospital in Mumbai, to pay an amount of 1,50,000 towards the cost of the present reply notice, to refrain from indulging in acts of intentional harassment by taking fraudulent recourse to noble provisions of law to cover your client's own wrongs. मतलब अपना अपने पाप छुपाने के लिए आप जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो आप जल्द से जल्द बंद करें. टू टेंडर एन अनकंडीशनल अपॉलोजी टू आर क्लाइंट फॉर योर क्लाइंट्स विलफुल एक्ट ऑफ हैरेसमेंट एंड एग्जास्परेशन एंड ये बताया था मैंने आपको एक्सटॉर्शन केस इनका. ऐसे कई सारे पेजेस हैं जो अभी तक आपके आपके कैमरा को दिखाया नहीं मैंने. तो जी वो आपने जो अभी जो रिकंस्ट्रक्शन केस किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? शिल्पा शेट्टी ने आपके ऊपर डिफेमेशन किया, उसके बाद आपने ये डिफेमेशन किया? नहीं, मैंने कोई डिफेमेशन नहीं किया. मैं आपको बताती हूँ क्रोनोलॉजी, आपको बताती हूँ मैं. 14 मार्च 2021 के दिन मैं गई थी जुहू पुलिस चौकी रिपुसूदन AKA राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने, यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने. मैं इंतज़ार कर रही थी कि पुलिस मुझे बुलाए स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए. उतने में 19 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा यहाँ पर आते हैं, इस घर पर मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, अपने सेलफोन पर एक नाम बताते हैं, वो बिंद्रा. कहते हैं कि ये उनके बिजनेस पार्टनर हैं और डी कंपनी के फ्रंटमैन हैं, और रजत बिंद्रा ऐसा कुछ नाम था. बोलते हैं कि ये एक कॉल करेगा ना तुम ख़त्म हो जाओगी, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो. हाँ, दुबई में जाओगी, मार देंगे. दुबई जाऊँगी नहीं, यहीं पर हो जाएगा.
जो भी होना है यहीं पर हो जाएगा. एंड जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, जीएल स्ट्रीम के साथ जुड़ जाओ. शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, दे आर यू नो द फेसेस ऑफ जेएल स्ट्रीम. जॉइन जेएल स्ट्रीम, डू यू नो बोल्ड वीडियोस, फिटनेस वीडियोस, एंड मेक सम मनी, बी हैप्पी. व्हाई ड्रैग 2019 इनटू 2021? 2019 की जो बात है हाँ, उसको यहाँ मतलब 2021 में क्यों लेकर आना चाह रहे हो? ख़त्म करो, रात गई बात गई. नहीं करना है तो फिर बोलना मत कि बताया नहीं था. तो मैं सोच में पड़ गई. मैंने अपने मैनेजर, मेरे मैनेजर भी थे यहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि क्या करना है. वो बोलते हैं कि लड़ाई वो लड़ो जो तुम जीत सको. क्या तुम्हें लगता है तुम ये लड़ाई जीत सकती हो? इनके पास पैसा है, पावर है, कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास 3 नन्हे मुन्ने पेट्स हैं, छोटे छोटे पेट्स हैं, और क्या है तुम्हारे पास? मैंने बोला मेरे पास सच है. तो कहा सच, उससे क्या होगा? ऐसे क्यों नहीं होगा? कोर्ट ऑफ लॉ में सत्य के आधार पर हम केस जीत सकते हैं ना. तो नहीं नहीं पैसा चाहिए, पैसा है क्या? नहीं है ना. मुंह बंद रखो, जाओ, जैसा कह रहे हैं वैसा करो. उन्होंने देखो मेरे मैनेजर मेरा भला सोचकर कहा कि ख़त्म कर दो इस बात को, तुमको कुछ हो गया अगर यू नो तुम्हारी जान खतरे में आ गई, कौन आएगा, कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए? तो अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए जाओ, केस वापस ले लो. 20 अप्रैल 2021 के दिन राजकुंद्रा की रिपुसुदन AKA राजकुंद्रा की धमकी से और शिल्पा शेट्टी से बात करवाई थी 19 अप्रैल 2021 के दिन. वो भी उसने भी कहा कि क्या शैलिन, तुमको तो पता है ना मेरे पति शक्ति कपूर नहीं हैं. शक्ति कपूर नहीं है, इसका मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. यानी आप कह रहे हैं कि जो फिल्मी शक्ति कपूर का इमेज है उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं उसके बाप हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपको तो पता है ना जेएल स्ट्रीम कैसा है. जुड़ जाओ, इट्स अ फैमिली वेंचर. एंड ये अलग अलग बिजनेस वेंचर्स करते रहते हैं, कभी कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. यू नो आई डोंट इंटरफियर. जैसा कह रहे हैं वैसा करो. तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी एंड मैंने सोचा कि खुदा ना खास्ता, यू नो गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना चाहे कुछ हो गया तो क्या करूँ मैं? किसको बुलाऊँ, किसको कॉल करूँ, किसके पास जाऊँ? अगले दिन गई जुहू पुलिस चौकी और इंस्पेक्टर से कहा कि सर मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ क्योंकि मुझे डर है. किस बात का डर पूछा? मैंने कहा कि आई एम स्केयर्ड फॉर माई लाइफ एंड लिम्ब. अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी खतरे में है, मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझको. उसके बाद क्या हुआ? 14 अक्टूबर 2021 के दिन अगेन फिर से मैं गई जुहू पुलिस चौकी. इस बार ये मतलब वो सारी जो डर था कि ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, वो डर धीरे धीरे पता है कब निकलने लगा? जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिपुसुदन AKA राजकुंद्रा को अरेस्ट किया, तब मुझे लगा ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है कि ये इंडिस्पेंसिबल नहीं है. यानी ऐसा नहीं कि कोई इसको टच नहीं कर सकता है, टच कर सकते हैं इसको, इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, इसको जेल में भी डाल सकते हैं. और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये करके दिखाया. तब मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि ये बोलता था तुमको पता है मेरे सर पर बिग बॉस का हाथ है, मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता. कौन है ये बिग बॉस? कौन है बिग बॉस बताओ? नहीं नहीं समझदार को इशारा काफ़ी होता है. कौन है, कौन है आपके बिग बॉस? और आपके बिग बॉस ने आपको बचाया क्यों नहीं मुंबई क्राइम ब्रांच से? हाँ, तो तब थोड़ी हिम्मत पैदा हुई. तब मुझे लगा कि ओके मैं फिर से हिम्मत करके जाऊंगी जुहू पुलिस चौकी और इस बार मैं कुछ नई बातें भी सामने रखूंगी. जैसे नई बातें क्या है, उन्होंने जेएल स्ट्रीम के लिए मुझसे 3 वीडियोज़ शूट करवाए, पैसा नहीं दिया, चूना लगाया, चीटिंग की, फ्रॉड किया,
क्रिमिनल कंस्पिरेसी की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया, एंड वो जो पुरानी बात है यौन शोषण की शिकायत जो मतलब जिसके लिए मैं गई थी 14 अप्रैल 2021 के दिन जो पुलिस चौकी, वो भी इस मतलब उसका जिक्र भी है इसमें। तो 14 अक्टूबर 2021 के दिन जब मैं जुहू पुलिस चौकी से बाहर निकली, मैंने देखा सामने मीडिया खड़ी थी। मैंने अपने पुलिस कंप्लेंट जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है उसमें से कुछ एक्सर्प्स मीडिया को सुनाए। मैंने कहा कि देखिए ये ऑफेंसेस लिखे गए हैं इस शिकायत में एंड ऐसा ऐसा है, अब मैं नहीं डरूंगी, अब देखा जाएगा कि कौन मतलब कौन सच्चा है या कौन झूठा है, ये देखा जाएगा, बहुत हो गया। तो 18 अक्टूबर 2021 के दिन इनके वकील जो है डेफेमेशन नोटिस भेजते हैं, आपने हमारे क्लाइंट्स को डिफेम कर दिया, अब हम आप पर 50 करोड़ का मानहानि करते हैं, लाओ दो हमको पैसा। भाई साहब प्रकाश जी है ना उनका नाम, हाँ आपका भी है मेरे पास प्रकाश जी पेपर, प्रशांत पाटिल जी आप वकील हैं, हम भी बहुत जल्द वकील बनने वाले हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए आप डेफेमेशन नोटिस ये वो 50 करोड़ मानहानि, क्या कर रहे हैं आप, आपको पता भी है डेफेमेशन क्या होता है? हाँ फिर से पढ़कर सुनाऊं आपको? हाँ नहीं आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं। एक पीड़िता पुलिस चौकी जाती है यौन शोषण चीटिंग फ्रॉड क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्या क्या लिखा है मेरी शिकायत में, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, हाँ डिफेम तो आप मुझे कर रहे हैं। आप देखिए नहीं आपने जिंदगी में आपने जितने कांड किए हैं हाँ उनकी तुलना में मैंने कुछ नहीं किया, आप चेक कीजिए कंपेयर कीजिए। नहीं डेफिमेशन जब भी मैं पुलिस चौकी जाती हूँ मुझे रोक देते हैं, कभी अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं, कभी डेफिमेशन नोटिस की धमकी देते हैं, ये क्यों नहीं चाहते कि मेरी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग हो, ये क्यों नहीं चाहते कि एफआईआर दर्ज हो? अभी आप क्या चाहते हैं? आपका एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस स्टेशन जाना सक्सेसफुल रहा आपका? मैं देखिए मैं गई थी शिकायत दर्ज कराने, शिकायत दर्ज कब होती है जब कॉग्निजेंस ली जाती है ना, जब बुलाया जाता है स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो अभी तक हुआ नहीं, स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होना बाकी है। जी बताया मैंने, देखिए 19 अप्रैल को मैं गई थी, मैंने शिकायत वापस ली और मैंने कहा कि मैं मेरी जिंदगी को खतरा है, माय लाइफ इज इन डेंजर, मैं शिकायत वापस लेती हूँ। 19 अप्रैल 2021 के दिन राजकुंद्रा घर पर आए थे, मैं सुनिए 20 अप्रैल को मैं गई, मैंने शिकायत वापस ली, 14 अक्टूबर की बात हो रही है, 14 अक्टूबर को मैं फिर से गई जुहू पुलिस चौकी एक न्यू कंप्लेंट लेकर, उसमें यौन शोषण का जिक्र है, उसमें नई बातें भी हैं। नई बातें क्या हैं? जेएल स्ट्रीम के साथ मैं जुड़ी, मैंने 3 वीडियोस किए, उन वीडियोस के लिए मुझे एक पैसा भी नहीं मिला, और उन वीडियोस मतलब जेएल स्ट्रीम के साथ कैसे मुझे मजबूरन जुड़ना पड़ा, ये सारी बातें भी लिखी हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन ये लिखा है, एक एक चीज जो उन लोगों ने, एक एक अत्याचार जो उन लोगों ने किया है नहीं लिया, मैं यही बोल रही हूँ, और मैंने कोई भी बात नहीं छुपाई। मैं हाथ जोड़कर मुंबई पुलिस से ये विनती और अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज मुझे मेरे स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाइए। क्यों जरूरी है स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग? क्योंकि आप जब तक कॉग्निजेंस लेंगे नहीं मेरी शिकायत की, तब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं, जांच पड़ताल नहीं होगी, एफआईआर दर्ज होगा तभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ना। तो मैं चाह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, तथ्य सामने आए, तथ्य की सत्यता सामने आए, और उसके बाद आप एक्शन लें। बस आई मीन जो ड्यू प्रोसेस होता है, बस वो ड्यू प्रोसेस जो है वो हाँ उसको आगे बढ़ाया जाए, ये मेरी विनती है। प्लीज़ मुंबई पुलिस, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, एंड माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आप
एक बार पुलिस को एक मतलब एक छोटा सा आप मैसेज देंगे पुलिस को तो वो आपका कहना मानेंगे, मुझे बुलाएंगे मेरी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए. तो प्लीज़ अनुरोध है आपसे, विनती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. आई नीड योर हेल्प. मैं आपकी मुर्गी हूँ, आपकी बच्ची हूँ. प्लीज़, थैंक यू, थैंक यू.